हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस। मैं आपका फ्रेंड सौरव मित्तल। मैं आपके लिए लाज लाया हूँ 2.5 का फैक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टर टॉपिक है, जिसमें दिया गया है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो बैठा है, जो आज पहली बार हमारी वीडियो पे आया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारी उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को वह सब्सक्राइब करें, जिससे उनको डेली की वीडियो के न्यू अपडेट सबसे पहले मिलेंगे उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें, है ना। जैसे कि दिया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर का, 8 a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 12 a² b प्लस 6 ab² फ्रेंड्स, आप जानते हैं इनमें है ना, आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है फैक्टर में, जब भी फैक्टर करने को आया तो आप दो बातों को ध्यान रखो। क्या कि जैसे कि अगर मान लो ये कॉमन निकल रहा है कि नहीं, अगर कॉमन निकल रहा है कुछ कुछ चीज़ें तो आप कॉमन निकाल के अलग कर दो, लेकिन कॉमन नहीं निकल रही होती है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत बहुत सारे और शॉर्टकट होते हैं, तो आप क्या करा करो, आप कुछ नहीं, जैसे कि क्या नाम है, फॉर्मूला देखा करो, ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें ए और बी दोनों ही पार्ट में, ए क्या नाम पावर में क्या 3 है, बाकी में स्क्वायर वगैरह आए हैं दोनों में, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको इससे समझ में आ रहा होगा, एक फॉर्मूला होता है क्यूब वाला, कौन सा क्यूब वाला, जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, पी प्लस क्यू का होल क्यू, आपको याद ही होगा, जैसे मैं पी की पावर 3 होती है प्लस क्यू की पावर भी 3 होती है प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, क्या नाम है, 3 p² q प्लस 3 p q² यानी इस टाइप का ये फॉर्मूला रहता है ना फ्रेंड्स। अब क्या रहता है, फ़र्क इसमें इतना रहेगा कि जैसे कि p plus q की होल पावर 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करनी पड़ेगी, अपन को क्या फैक्टर करना है, फैक्टर क्या करता है, किसी चीज़ को छोटा कर देता है, तो छोटा करेंगे तो बड़ी इक्वेशन को ये छोटे इस रूप में लाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करेंगे, समझ रहे हैं ना, इस पूरी इक्वेशन का इससे आप कंपैरिजन करें, जो क्वेश्चन में आपको वो पॉलीनोमियल की इक्वेशन दी गई है। तो देखिए यहाँ क्या है, पी की पावर 3, तो यहाँ पर पी अकेला है और यहाँ क्या है 2 हैं, तो 8 को आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि जिससे ये होल पावर की 3 हो जाए, तो हाँ क्यों नहीं लिख सकते, तो हमने लेट करके लिख सकते हैं, हम मान लिया 2a की होल पावर 3 हो गई, ठीक है, बी की पावर 3 तो है ही, चलो जी तो चलन दो। अब क्या करो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2a, तो ऐसी कोई संख्या देखो यहाँ से सेपरेट करो कि आपको यहाँ से 2a मिल जाए और बाकी चीज़ें अलग हो जाए, तो क्या हो सकता है, 12 है, 12 का अगर मान लो मैं फैक्टर कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 2 6 12 और 2 3 जा, देखो 2 6 12 हो गया और 3 2 6 और 2 1 2 है ना, ऐसे टाइप से आएगा। लेकिन आपको एक बात तो पता ही है कि यहाँ पर जैसे इस टाइप से आने के बाद फिर क्या होगा, इसका क्या नाम है, अगर अपन स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मान लो 2 2 बार आ गया, तो इसको अपन 2 की पावर² भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 जो है हमारा 3 वो तो सेपरेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्या नाम है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या कर दो, यहाँ पर 3 को हम सेपरेट कर देते हैं, और पी स्क्वायर यानी कि हम पी स्क्वायर किसको मान लें, ए को, तो ए में यहाँ पर क्या है, 2a, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 आ गया, और देखो ध्यान से देखना यहाँ पर 2 कितनी बार हमें 2 बार मिल रहा है 2, तो इसकी 2 की पावर² हो गई, और यहाँ पर साथ में 1 की पावर भी स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं अपन इसे 2a² कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 × 3 से करोगे 12 आना ही आना है, और 1 का स्क्वायर रहेगा ही, देखो अब b वैसा का वैसा रहेगा इनटू में रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर देखो 3 2 6 होता है, 3 सेपरेट कर लो, पे बचा 2, अब देखो a की पावर मतलब p की पावर क्या है 2a, तो यानी कि यहाँ पे हम 2a रख सकते हैं इनटू में, और यहाँ b स्क्वायर है, तो देखो b स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, बचेगा साफ बात है ना, तो अब देखो कंपैरिजन करो, इसको p मान लो और इसको q मान लो, तो p देखो q देखो यहाँ पर आ गया b, है ना, यहाँ पर देखो 3 ऐसा का ऐसा, 2a p की जगह आ गया, है ना, q ऐसा का ऐसा, यानी q की पावर, q का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ क्या है, p हमने मान लिया 2a, और क्यू मान लिया हमने क्या, क्यू मान लिया हमने बी, ध्यान से देखो पी मान लिया 2a, क्यू मान लिया बी, अब क्या हुआ, अब ये 2a है ना, हमने पी की जगह रख दिया, क्यू की जगह, क्यू की वैल्यू क्या, बी हमने इसकी जगह रखा, तो देखो यहाँ पर हम सब जगह रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, मिलता है क्या नहीं, इसलिए हमने सेपरेट करके आपको दिखा दिया है कि इस टाइप से मिल रहा है कि पी की पावर पी मतलब पी की जो वैल्यू है 2a हो गई, क्यू की वैल्यू बी हो गई, तो इस हिसाब से हमने इसको है ना फैक्टर करा। तो देखो यहाँ पर ये तो आप समझाने के लिए लिखा था, इसको ध्यान मत देना, लेकिन समझाने के लिए सही है ये, ठीक है। अब जल्दी देखो यहाँ पर फैक्टर करा, तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर समझने आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमें मिल के रहा है 2a प्लस
बी का होल क्यूब मिल रहा है और ये हमारा आंसर है। अब आप एक बार सोचेंगे मैंने 2a प्लस बी का होल क्यूब कैसे कर दिया, मैं बता दूं, देखो यहाँ पे पी की हमने पी को क्या मान लिया था, 2a मान लिया था, तो इसलिए देखो हमने पी की जगह पर 2a लिखा हुआ है। क्यू को हमने क्या मान लिया था, बी, तो देखो बी की बी वो क्यू की जगह पर बी रखा है, बाकी यहाँ पर भी पी है तो 2a देखो आ गया, क्यू बी आ गया, पी 2a क्यू बी आ गया, है ना। और बाकी पावर में स्क्वायर क्यूब वगैरह जो चल रहा है वो तो ऐसे ही चलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए लिख दिया था, अब ये काम आ गया। अब क्या हुआ, हमें इसके रूप में डालना था, क्या इसके रूप में डालना था, तो हमने क्या देखा, पी प्लस क्यू का होल क्यूब दिया गया इसमें, है ना। तो हमने क्या कर दिया, 2a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया, सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। फ्रेंड्स ऐसी ये सारी इक्वेशन सॉल्व होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान है, तो चलिए मैं फटाफट करता हूँ, आ जाइए समझते हैं, है ना। तो देखो फ्रेंड्स जैसा कि आपके सामने दिया गया है, 8a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12a² b और प्लस 6ab² तो देख रहे हो अभी आपके सामने ही है ना, साफ साफ लिखा हुआ है ये। अब फ्रेंड्स देखो पहले मैंने क्या करा था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था क्योंकि मेरे को तो पहले से ही पता था, लेकिन अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से भी आप कर सकते हो और आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, है ना। कैसे ये भी आप समझ लीजिए, क्या करो अभी कुछ मत ध्यान दो, अभी क्या कर लो आप लेट कर लो, क्या लेट कर लोगे आप हमेशा, देखो लेट क्या करोगे आप, जो सोचना कि यहाँ पर हम इसको फैक्टर कर रहे हैं, तो जो जितनी भी संख्याएं दी गई है ना उनको आप देखो कि सबसे छोटा कैसे कर सकते हो, मतलब 8 है, 8 को और छोटा कर सकते हो क्या, नहीं तो उसको और छोटा करोगे तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे a की पावर 3 है वैसे 2 की पावर भी में आ जाए, हाँ क्यों नहीं कर सकते। 8 को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, कर सकते हैं इस टाइप से कर दिया। अब b तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो b ऐसे के ऐसा रह गया, ठीक है। अब 12 है, 12 को मैंने यहाँ फैक्टराइज करा था, देखो कितना आ गया, 2 2 3, मतलब दो बार 2 आता और एक बार 3 आया था, मेरा आया था क्या, नहीं आया था ना, तो जब बस इतना ही करना है इसमें, जैसे कि मान लो 2 बार 2 और एक बार 3 है, तो 12 में आप देखो, अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्यूब आ रहे हैं, क्यूब वाले में आप जानते हो फॉर्मूले में कहाँ कहाँ 3 आ जाते हैं ये, तो आप क्या कर दो, ऐसा कुछ करो जिससे हमें ये क्यूब वाले जिसकी पावर क्यूब है ना, क्या जिसकी पावर क्यूब है, जैसे दोनों में जैसे a और b दो ही तो वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को देखो ये हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 दोनों की है, इसका मतलब है यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरी बात रही यहाँ पर कि 12 का हमने फैक्टर करा तो हमें क्या मिल गया, 2 × 2 × 3, है ना, मतलब 2, 2, 3 तीन ये मिल गया हमें। इसमें से देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 3 तो मिल रहा है, तो 3 को अलग कर दो और 2 है। अब देखो यहाँ पर देखो a का क्या है, स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ये हमें 2 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 12 की जगह, तो हमें 2a का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि देखो ऐसे इस टाइप से माइनस तो रहेगा ही, माइनस मत रखो प्लस रखो, मैं बताता हूँ क्यों। देखो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ रख दिया, 2a का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो अब 3 भी यहाँ रख दिया, 2a का होल स्क्वायर हो गया, तो ये देखो आ गई। अब बचा क्या, b, तो b से आपको बता दूं कि यहाँ देख रहे हो यहाँ पर है ना माइनस का लगा हुआ साइन, तो इससे आप ये बात समझ लेना कि यहाँ पे b की पावर अगर इवन नंबर होता, ध्यान से सुनना तभी समझ नहीं आएगा वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे और बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बी की पावर जो 3 होती है ना, बी की पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा, इवन होता तो प्लस हो जाता, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बी हमारा सिंगल में माइनस का है, तो यहाँ पर देखो सिंगल है, यहाँ पर पावर में वन है यानी माइनस का है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस के बी होगा ये, है ना। अब 6ab², तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 3 × 2, तो इनमें 3 तो अपना 12 आ गया और 2a हो गया, तो 2a कर दिया हमने, ये कर दिया। अब b का स्क्वायर है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ इवन नंबर आ गया, तो क्या हुआ ये माइनस का चिन्ह क्या हुआ, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे 12 भी पॉजिटिव रहा, है ना। तो अब ये b² का b² रहा। अब देख सकते हो यहाँ वाले फॉर्मूले को देखो, 2a की पावर 3, 2a कौन मान लिया, p मान लो, और माइनस के b किसको मान लो, q, तो इससे हमें क्या मिल जाता, 2a माइनस के b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया यहाँ, देखो आपके सामने नज़र आ रहा है। इतना शॉर्टकट में समझा दिया, आपको खुद कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्यूब वाले ये फॉर्म क्यूब वाली पावर में जिनके क्यूब आती है हाईएस्ट या स्क्वायर आता है, आपको एक चीज़ पहचानना है, ऐसे इस तरीके को फैक्टराइज करो ना, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ ये है कि मान लो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इससे समझ लेना कि ये हाईएस्ट पावर अगर 3 है और वो भी दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल हैं,
मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल है, उन लोग की अलग अलग हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो यानी कि इतना समझ लेना, यहाँ पे कोई क्यूब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे कि जीरो लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला का काम ही नहीं है। तो आप क्या कर लेना, पहले क्यूब वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको लिख लेना, अब उनके अकॉर्डिंग चलना कि यहाँ पर अपन ने देखा तो यहाँ पर इनको तोड़ेंगे धीरे धीरे, तो मैंने ऐसा तोड़ा ना यहाँ पर, तो ऐसे तोड़ने पर उनके अकॉर्डिंग कैसा मिल रहा है, तो ये देखो हमें मिल गया है ना, बस यही चीज़ है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक, और नेक्स्ट वीडियो में हमको जितने भी क्वेश्चन दे गए हम वो बताएंगे आगे के। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके द्वारा हमारी यह वीडियो ऑल ओवर तक पहुँच सके, और जिससे उनका भी आपकी तरह उनका पूरी प्रॉफिट हो सके। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आप हमारी यह वीडियो को हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर जाकर आप हमें बता सकते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम है आपकी 100% उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे कोई भी ऐसे कोई परिचित व्यक्ति है जो आपको 9th क्लास में क्या नाम है पढ़ता है, तो आप हमारी यह वीडियो उन लोगों तक तो जरूर पहुँचाएं, जिससे वो लोग को भी इसका लाभ मिल सके, और वैसे लोग जो है ना कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन तक तो आप जरूर पहुँचाएं, जिससे उनका क्या होगा, उनका लाभ हो सके, क्योंकि हम इसमें 1x1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारा सपोर्ट कीजिए थोड़ा, आपके सपोर्ट के बिना हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपके सपोर्ट के हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।